तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऐप हाइड करने के बारे में। क्या आप ऐप हाइड कैसे कर सकते हैं अपने सस्ते रेडमी के फोन में। यहाँ पे आप देखिए रेडमी के फोन जितने सस्ते होते जा रहे हैं ना, उनमें से फीचर गायब करते जा रहे हैं रेडमी वाले। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप यहाँ पे ऐप कैसे हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, यदि आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे ऐप्स में जाके, तो यहाँ पे आपको ऐप हाइड करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप यानी कि ऐप हाइड कर ही नहीं सकते इस फोन में। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे ऐप हाइड कर रखे हैं। यदि मैं जूम इन करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखिए ऐप मैंने हाइड जो कर रखी है वो यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। तो मैंने कैसे यूज किया वो चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे एक ऐप को एप्लीकेशन सर्च करनी है, शॉर्टकट मेकर। ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना गॉट इट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन एक्टिविटीज का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको यहाँ पर सर्च करना है HID, सिर्फ HID लिखना, ई मत लिख देना, HID, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हिडन एप्स का ऑप्शन देखने को हमको मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले नीचे चले जाना और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट शॉर्टकट, आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देंगे और आपका जो हिडन एप्स का जो ऐप है वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, आप चाहे तो उस ऐप में से भी इसको एक्सेस कर सकते थे ट्राई द शॉर्टकट पे क्लिक करके, लेकिन मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐप को हमने ओपन किया हिडन एप्स के को। अब यहाँ पे जिन भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं आप सिंपल उनको हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 ऐप्स को हाइड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप थे वो हाइड हो चुके हैं। यदि आपको इनको अनहाइड करना चाहते हैं और आपका ये जो ऐप है वो गलती से यहाँ से खत्म भी हो जाता है, तो इनको आप कैसे अनहाइड कर सकते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसके लिए क्या करना, आपको यहाँ पे जूम आउट करेंगे और आपके जो ऐप हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं जो आपने हाइड कर रखे हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि इन पर आप लॉक लगाना चाहें तो इन पर आप ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐप लॉक आपको देखने को मिलेगा नीचे, इसको आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपका ऐप लॉक लग जाएगा। या आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके भी ऐप लॉक को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पे कोई भी ऐप को आपको एक्सेस करने के लिए जाएगा तो उसको यहाँ पे पैटर्न डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको अनहाइड करना है तो आप सिंपल ऐड पे क्लिक कीजिए और उनको आप अनहाइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए वो जो ऐप से वो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जूम इन का जो फीचर है वो जब ही काम करेगा जब आपके ऐप हाइड हो रखे होंगे। यदि आपने सारे अनहाइड कर दिए तो आपको सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा शॉर्टकट मेकर वाला, तो यहाँ से आप फिर से उसको इनेबल कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।